पूरे प्रदेश के साथ रीवा में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों हड़ताल पर। उनका कहना है सरकार अपने वादे निभाए, परमानेंट करे, अगर नहीं कर सकती तो संविदा के जो नए नियम थे उनके अनुसार उनकी फिलहाल नियुक्ति जारी रखी जाए। साथ ही उनके साथियों पर सरकार ने जो कदम दर्ज किए थे उनको वापस करें, जिनको निकाल दिया। तमाम बातों को लेकर ये लोग धरने प्रदर्शन में हैं। रीवा के जिला अस्पताल परिसर में लगातार बैठे देख रहे हैं कि विगत 15-20 वर्षों से हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार स्वास्थ्य विभाग में जी जान से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है। समय समय पर जब भी हमारे द्वारा अपनी बातें रखी जाती है तो हमेशा झूठे आश्वासन देकर हड़ताल को समाप्त कराया जाता है। सरकार के झूठे वादों से परेशान होकर हम लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है नियमितीकरण, और नियमितीकरण होने तक जो सरकार की ही बनाई पॉलिसी है संविदा कर्मचारियों के लिए, जिसमें 5 जून 2018 को एक नीति बनी थी, उस नीति को लागू कर दें। साथ ही हमारे जो विभिन्न कैडर के जो हमारे CHO कैडर साथी, उनको MLHP कैडर में लेकर उनका भी नियमितीकरण करें। साथ ही विगत इतने वर्षों में जो हमारे साथियों को निष्कासित किया गया, उनकी सबकी वापसी, पिछले आंदोलनों में हमारे साथियों के ऊपर झूठे केस लगा करके प्रकरण दर्ज किए गए, उन केसेस को वापस लिया जाए, इन सारी मांगों को लेकर